श्री देवीलाल को पोतो दुष्यंत चौटाला मारो डिप्टी मिनिस्टर नहीं है, भजनलाल को पोतो भव्य बिश्नोई उम्मीदवार है नहीं है, मनोज तो मारो मुख्यमंत्री है, कोई लड़ाई तो है। ए उड्डा जी बिचारो मारे मारे फिरे चौटाला साहब कुरुड़ा राम जी ने लिए भव्य बिश्नोई के कमल के फूल के सामने का बटन दबेगा नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी, हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ेगी और स्वर्ग में बैठे चौधरी भजन लाल जी की आत्मा की तृप्ति होंगे। भाई भजन लाल जी आज दुनिया में नहीं है तो हूं का टावर की आप उखाड़ी करा तो नहीं करी। 20 साल कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, वो आज बीजेपी में आयो कि नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम है। आज लोग गला काट रहे अपनो सिवानी वालों सेठ जो है गुजरात में नरेंद्र मोदी का मां बाप को नाम बुझे, रिजल्ट आवे जब देखना गुजरात का आदमी ने कहा काले चोर को वोट दे सकते हैं, जो आप हिंदुस्तान के इतने लोकप्रिय नेता को इतनी बुरी गालियां देता है उसके डब्बे में हम वोट निकाले। रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 4 महीना पहले 26,000 बच्चे हिंदुस्तान के यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी ने पुतिन को कह दिया, जेलेंस्की को कह दिया कि 12 घंटे के लिए युद्ध विराम कर दो, गोली नहीं चलेगी, बम नहीं फटेगा, मेरे बच्चों को मैं सुरक्षित लाना। पाकिस्तान के बच्चे भी 4,000 बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के तिरंगे का सहारा लेकर के अपने घर वापस आए कि नहीं आए। अस्का गांव में मैं मौजूद हूं जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी यहां प्रचार के लिए पहुंचे हैं और उनका फूलों की मालाओं से यहां पर स्वागत किया गया है। रामविलास शर्मा जी से जानेंगे। शर्मा जी कई गांवों का दौरा कर चुके हैं, क्या हालात हैं, जमीनी हालात आपसे बखूबी कोई नहीं जानता, बड़ा लंबा अनुभव है राजनीति में आपका, वर्तमान हालात क्या है? देखिए हम अभी ठस्का में हैं, इससे पहले हम ठंडूर में थे, अभी हम आगे बाड़समंद और इन कई गाँवों में जाएंगे। यहाँ जो भव्य बिश्नोई है भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी लहर चल रही है और लोग जो हैं भव्य बिश्नोई को देखना भी चाहते हैं, बूढ़ी माता भजनलाल जी को लाडी कौन सो है भाई, क्योंकि वो नया उम्मीदवार है और नौजवान है, पढ़ा लिखा है और भजनलाल जी का पोत्र है और भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र भाई मोदी का उम्मीदवार है, इसलिए बीजेपी की यहाँ लहर चल रही है। चुनौती क्या मानते हैं शर्मा जी? चुनौती यहाँ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में आपस में विवाद बहुत है और कुरुड़ा राम जी यहाँ के रहने वाले थे, वो टिकट मांग रहे थे पर पता नहीं हुड्डा साहब की कोई मजबूरी रही होगी, बाहर से JP को अनिच्छा से लेके आए। लंबे समय से इलाके में विकास ना हो पाना क्या वजह मानते हैं, क्या उसका कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है? नहीं नेगेटिव, ये चुनाव जो होता है ना, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव में जनता का मूड होता है। भजनलाल जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस विधानसभा का भरपूर, यहाँ सबसे अधिक लोगों को रोज़गार मिला, सबसे अधिक विकास हुए, यूनिवर्सिटीज बनाई, तो इस चुनाव से लोग विकास को नहीं जोड़ रहे हैं, ये चुनाव में लोग सीधा सीधा भाई भजनलाल का पुत्र है, भाई ये BJP का उम्मीदवार है, तो यहाँ एक लहर है। उपचुनाव सरकार के लिए खास शुभ फलदायक नहीं रहे हैं, यह तीसरा उपचुनाव है? नहीं, बाकी दो उपचुनावों में जैसे
इलाहाबाद का चुनाव था। इलाहाबाद के चुनाव में हमको 40,000 से ऊपर वोट मिला, और इससे पहले वहाँ का, पर जनवरी 2019 में जींद का उपचुनाव हम जीते थे, उसमें चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का कांडा हमने काट दिया था। बिल्कुल, और ये रामविलास शर्मा जी थे, मुखर आवाज में स्पष्ट अपनी शैली है इनकी, एक विशेष शैली है जिसको हरियाणवी लोग खास तौर से पसंद करते हैं। ये सीधे जनता से संवाद करते हैं अपनी देशी भाषा में। आज इन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिखर चुकी है और भव्य बिश्नोई आदमपुर भजनलाल का गढ़ है। खास बात यह है कि तीन लाल हैं हरियाणा में और तीनों लाल आज भाजपा से जुड़ चुके हैं। पहले लाल जो चौधरी देवीलाल जी थे, उनके पुत्र के रूप में दुष्यंत चौटाला जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं मनोहर लाल जी वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, और तीसरे लाल जो भजन लाल के पुत्र हैं, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या ये तीनों लालों का जुगाड़ इस बार आदमपुर में भाजपा का कमल खिला पाएगा? खास चर्चा यही रहने वाली है।